मेरे चेहरे को देख सकते हो, कल रात को मैंने सीरम को लगाया था और आज सुबह के 10 बज रहे हैं तो मेरे चेहरे पे एक ग्लो मुझे नोटिस हो रहा है। अदरवाइज़ कुछ विजिबल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो स्पॉट्स और उनके दाग भी अभी है क्योंकि अभी एक बार ही लगाया मैंने। तो आज फोर्थ डे मॉर्निंग है, 3 दिन मैंने इस सीरम को लगाया। हालांकि बॉटल में लिखा हुआ है कि आप सारा दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार करके ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सो गाइज, आज है 7th डे और 7 दिनों तक मैंने अप्लाई किया है, तो आज लास्ट डे है और आज मैं लगाने वाली हूँ इस सीरम को और कल मैं इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट डे टू लास्ट डे पे वीडियो को आप लोग खुद ही देखना और खुद ही कंपेयर करना कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इस विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप, मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया है अपने चेहरे पर। मेरे लव लाइन बहुत आ गए हैं एंड द रीज़न इज़ आई ऑलवेज स्माइल एंड आई लव टू स्माइल। तो अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने स्पीकर नहीं लगाया है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन हाय, माय नेम इज़ रूपा। मैं अपने चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग, मेकअप वीडियोस, इन सारी चीज़ों को पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको ये चैनल और इसके कॉन्टेंट अच्छे लगते हैं देन डू सब्सक्राइब। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक सीरम को, फेस सीरम, जिसको मैंने कंटिन्यू 7 दिनों तक, नॉट 7 डेज, एक्चुअली मैंने इसको 9 डेज तक अप्लाई किया है। और इसको लगाने के बाद जो जो चेंजेस मेरे चेहरे पे आए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आगे आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइज, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बायोटेक का बायो डांटलियन फेस सेरम को, और इसको मैंने 145 रुपीज़ में ख़रीदा था ऑनलाइन। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि हार्श लाइट के अंदर काम करते करते मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, और इसी वजह से मैंने देखा कि गले से फेस तक का स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो रहा है और छोटे छोटे स्पॉट्स भी आ रहे हैं। तो उसको रिपेयर करने के लिए मुझे एक क्रीम चाहिए था, बट एट द सेम टाइम मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कुछ भी मेरे स्किन पर अच्छे से सूट नहीं करता है। तो इसीलिए एक ऐसा ऑल्टरनेट मुझे चाहिए था जो काफ़ी कम रेंज में मुझे मिले और जो स्किन के ऊपर अच्छे से काम करे। द रीज़न इज़ कम रेंज का इसलिए चाहिए था क्योंकि अगर मैं इसको लगा नहीं पाऊँगी तो मुझे इसको अल्टीमेटली फेंक देना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया इंटरनेट पे और इसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को देखा। बहुत सारे लोगों ने इसको 4.2 रेटिंग दिया है, विच इज़ अ हाई रेटिंग। 4200 लोगों ने आई गेस इसको 4.2 रेटिंग दिया है। तो मुझे लगा कि इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए एंड द रिजल्ट वॉज रियली सेटिस्फाइंग। मैंने इसको 7 डेज तक लगाए, नॉट 7 डेज, एक्चुअली 9 डेज तक लगाए, और रात में एक बार करके लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद जो चीज़ मैंने फील किया है कि इंस्टेंटली स्किन पे अब्सॉर्ब हो रहा है। इसका प्राइस है 145 रुपीज़, और इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने चेहरे को वॉश कर लेना है या फिर स्क्रब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मॉइस्चराइज़र जो आप लगाते हो उसको आपको अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है। तो इसको आप सारा दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीरम इज़ इट इज़ वेरी लाइट वेट, नॉन स्टिकी, और चेहरे पर लगाने के साथ साथ इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाता है। सो गाइज़, ये है वो सीरम का बॉटल, आप देख सकते हो। ये छोटा सा ही है और एकदम इसके अंदर का वाइट कलर का है। लेट मी शो यू, ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये जब भी आप लगाते हो ना तो इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अभी मैं इसको लगा के दिखाती हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो इसको लगाने के बाद ऐसे करके अगर हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मसाज कर देते हैं ना, सो जस्ट 2-3 सेकेंड लगेंगे एंड इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड ये हाथ में ही नहीं, स्किन पे भी कुछ इसी तरीके से अब्जॉर्ब हो रहा है। वेरी लाइट वेट एंड गुड वन। सुबह उठने के बाद मेरे स्किन पे एक ग्लो दिख रहा है एंड स्किन ऑनेस्टली अंदर से रिपेयर हो रहा है। मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा लव लाइंस आ गए थे यहाँ पे क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ इसीलिए, और यही कारण है कि लव लाइंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ स्किन पे कुछ स्पॉट्स भी आए थे तो उसको भी रिपेयर करना था। हालांकि 7 दिन में कम्प्लीटली वैनिश नहीं हुए हैं ये सारी चीज़ें, अभी भी हल्का हल्का करके है लेकिन पहले से बेटर पोजीशन पे आए हैं। सो गाइज, आप मेरे चेहरे को देख सकते हो, कल रात को मैंने सीरम को लगाया था और आज सुबह के 10 बज रहे हैं तो मेरे चेहरे पे एक ग्लो मुझे नोटिस हो रहा है। अदरवाइज़ कुछ विजिबल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो स्पॉट्स और उनके दाग अभी है क्योंकि अभी एक बार ही लगाया मैंने। तो एक हफ्ते तक मैं कुछ इसी तरीके से आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी और फाइनली एक हफ्ते बाद हमें नोटिस हो ही जाएगा कि ये सीरम एक्चुअल में काम करता है कि नहीं करता है।
गुड मॉर्निंग गाइज, और आप मेरे चेहरे को देख सकते हो, दिस इज़ एब्सोल्युटली मेकअप फ्री। मैं अभी बस उठी हूँ, मेरी आँखें इसलिए फुले फुले से है। सो इनिशियली इसको लगाने के बाद आप देख सकते हो ये जो दो डार्क स्पॉट्स है ये अभी भी एज इट इज़ है, बट थोड़े से लाइट हुए हैं और मेरे चेहरे पे जहाँ पे स्पॉट्स वगैरह आए थे कम्प्लीटली गए नहीं है, बट लाइट हुए हैं। मुझे कोई भी इशू नहीं दिखाई दिया इसको लगाने के बाद, छोटे छोटे दो चार सरसों के दाने की तरह रैशेस निकले, सरसों के दाने से भी छोटे, बट वो भी कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा चीज़ मैंने देखा कि स्किन टोन इवन हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज ऑन बायोटिक बायोडेंटलियन फेस सीरम के ऊपर। यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ़ यू वॉन्ट, एंड मुझे तो ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इससे मिला है, सो प्रोबेबली आई विल बाय इट नेक्स्ट टाइम अगेन। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो एज वेल। सो थैंक यू सो मच, बाय।